नमस्कार, जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हाल ही के 2023 के ईवी एक्सपो में मारुति की ईवी एक्स की देखने को झलक मिला था एक बार, तो ये लगाया जा रहा था कि ये बहुत ही जल्द मार्केट में आ जाएगी। तो मारुति की ईवी एक्स है जो कि 2024 के दिसंबर तक मार्केट में आने वाली है। साथ ही साथ एक और अपडेट आ गया है कि सुजुकी की ईडब्ल्यूएक्स जो कि काफ़ी लो प्राइस में आपका आएगा, जो कि बहुत सारे जो इंडिया में चल रहा है टिगोरी भी, तो इन सब को टक्कर देगा और वो 2025 में इंडिया में पेटेंट हो जाएगा। जो और साथ ही साथ वैगन आर का भी आ रहा है इलेक्ट्रिक, जो कि आपको रिवाइवल होगा टिगोरी भी का। बहुत बड़ा टक्कर दोनों का होने वाला है क्योंकि ये सब लो बजट की आने वाली है। मारुति अपना फर्स्ट ईवी 2025 में लॉन्च करने वाली है, क्योंकि 2024 दिसंबर का था वो, शायद 2025 में अब शिफ्ट कर दिया है, ऐसा अपडेट आ रहा है। ईडब्ल्यूएक्स की अगर फर्स्ट शो कार्ड की बात करेंगे तो लास्ट ईयर मैंने बताया कि ईवी एक्सपो देखने को मिला था और ये अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे ही है आपको बता दूँ कि। और इसकी जो माइलेज होने वाली है वो 250 किलोमीटर तक होने वाली है। वही ई वी एक्स की बात करूँ तो 550 किलोमीटर का माइलेज होने वाली है और इसकी प्राइस जो आ रही है ना 20 से 25 लाख तक का उम्मीद किया जा रहा है। मगर वहीं अगर ई डब्ल्यू एक्स की करेंगे तो वो प्राइस 10 के नीचे ही आएगा ऐसा माना जा रहा है और ये 2025 में ये भी आने वाली है। और ई वी एक्स की बैटरी बैकअप की बात कर लूँ तो उसमें 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है। तो ओवरऑल मारुति भी अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार लेकर के लॉन्च के लिए रेडी है, अब मार्केट में उतर रही है। क्योंकि मार्केट तो काफ़ी तेज़ी से ईवी का बढ़ रहा है, मगर हाल ही के दिनों में थोड़ी सी तो कमी आई है। रीज़न क्या है पता नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस भी कमी है, बहुत कुछ हुई है। बट एक और अपडेट जैसे बताया कि टेस्ला भी आने वाला है। टेस्ला में ऑलरेडी हर चीज़ कर लिया है अपना, हाल ही में केस हुआ था टेस्ला पावर के साथ उनका चला था, जो कि बैटरी बनाती है इंडिया में उसी के नाम को लेकर के। इस पर भी उसको फटकार लगी कि भाई तुम इंडिया में आते वाते कुछ नहीं हो, सिर्फ केस वेस चलते रहता है तो इसको लेकर के। बट मारुति के आने के बाद क्या कुछ बदलता है, क्या टाटा को टक्कर मिलेगा, क्या वैगन आर इलेक्ट्रिक जो है वो टिगोर ईवी को टक्कर दे पाएगी, क्या कुछ होगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। बट सबसे बड़ी बात कर लो अगर मारुति की ई वी एक्स की है तो इसने अपना कुछ भी रिवील नहीं किया है, इंटीरियर को भी रिवील नहीं किया है, टेक्नोलॉजी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, कुछ के बारे में डिटेल ये ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। बस एक छोटा सा आपको ये दिख रहा है, यही आपको दिखने को मिलेगा हर जगह पे। सब अपने अपने कैश लगा रहे हैं क्या प्राइस होने वाला है, क्या कुछ है, क्या कैसे होने वाला है, बट एक्चुअल में क्या होता है ये तो आपको दिसंबर में या फिर 2025 में पता चलेगा। क्योंकि दिसंबर का बोल रहे हैं बट इनकी जो रफ्तार है उसके हिसाब से 2025 फर्स्ट क्वार्टर तक ये मार्केट में आ जाएगी। जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।